आज इधर बारिश हो रही है तो अभी मैं आया हूँ छत पे, तो मुझे ये फीमेल नज़र आई थी। ये बीमार थी और नीचे बैठी हुई थी, इसे ठंड लग गई थी बारिश की वजह से, क्योंकि रात की बारिश हो रही है। तो इस वजह से मैंने इसे इधर पकड़ा और इधर इनक्यूबेटर मैंने चला दिया। अभी इसका टेम्परेचर सेट हो गया, अभी इसे पकड़ के इनक्यूबेटर के अंदर रखते हैं और 10 मिनट तक ये ठीक हो जाएगी और ये नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि अभी इसे ठंड लगी हुई है बारिश की वजह से। तो अभी जल्दी से इसे इनक्यूबेटर के अंदर रखते हैं। तो इधर पकड़ते हैं, इसे मैंने पकड़ा और इनक्यूबेटर को खोलते हैं और इसके अंदर रखते हैं। तो इसके अंदर नीचे रखते हैं, क्योंकि अगर ये उड़ी तो पंखे के नीचे भी लग सकती है। इसे इधर रखते हैं और अभी ये इधर से नज़र आ रही है और 10 मिनट तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये देखा, अभी अंदर जाती गई है ना, तो ये नॉर्मल होना शुरू हो गई है। अभी ये 10 मिनट तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें अभी भी बारिश लगी हुई है। और अपने बटेरों को जाकर देख लेते हैं बारिश, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुई, तो अभी जल्दी से जाकर देखते हैं। तो बटेर फीमेल तो माशाल्लाह से एक्टिव है, मुझे मेल थोड़ा सा ढीला लग रहा है। मेल भी माशाल्लाह से ठीक है, वैसे थोड़ी बहुत ठंड लगी हुई है। जब ये बारिश रुक जाएगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ी बहुत ठंड लगी हुई है इसे। और फीमेल माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छी है। और इस केज के अंदर पानी कैसे चला गया, पता नहीं इसके अंदर पानी कैसे गया है। इधर पानी खड़ा है ना, हो सकता है इधर से पानी चला गया हो। और अभी जाके बाकी बजीर को देखते हैं वो कैसे हैं। माशाल्लाह से अभी फ़िलहाल तो ये ठीक है। आगे से ये बारिश की वजह से ठंड हो गई है, अभी इनको कवर भी करना पड़ेगा ताकि इन्हें ठंड ना लगे। तो अभी इनका दाना ख़त्म होगा, जल्दी से इन्हें दाना डालते हैं। अभी इन्हें दाना डाला तो माशाल्लाह से ये अभी ठीक हो गए हैं, ये दाना खा रहे हैं। ये तो दाना खा रहे हैं, अभी जाके लव बर्ड और कॉकटेल को देखते हैं वो कैसे हैं। तो इसका ये बंद करते हैं। तो माशाल्लाह से ये तो ठीक है, इन्हें भी थोड़ी बहुत ठंड महसूस हो रही है, इन्होंने भी थोड़े बहुत पर फुलाए हुए हैं। तो ये भी माशाल्लाह से अभी सेट हो जाएंगे। इसका दाना देख लेते हैं, दाना और इनका भी दाना बिल्कुल ठीक है। और कॉकटेल की तरफ चलते हैं, कॉकटेल भी माशाल्लाह से अभी इधर बिल्कुल ठीक है और ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें कोई ठंड का मसला नहीं हुआ। ये मैं ये खिड़कियाँ भी बंद कर देता हूँ और दरवाज़ा भी बंद कर दूँगा, जिससे कमरे में भीड़ बन जाएगी और इन्हें ठंड नहीं लगेगी। और इस फीमेल को देखते हैं वो देखें। अभी मैं अंडा लेके आया हूँ और इनको रखते हैं ताकि ये इनको ठंड ना लगे और ये अच्छे से रहें। तो अभी जल्दी से इन्हें अंडा डालते हैं और फिर देखते हैं ये खाते भी हैं कि नहीं। तो अभी जल्दी से इन्हें डालते हैं। अभी मैंने ये इन बर्तनों में मैं अंडा डाल दिया, अभी रखते हैं इन दो क्लाबर्स के पेयर को और कॉकियों को भी रखते हैं। तो जल्दी से इन्हें रखते हैं, इस पेयर को रखते हैं और ये वाला इस पेयर को रखते हैं। तो इनको दोनों को रख दिए, अभी कॉकटेल रह गया, कॉकटेल को भी रखते हैं। देखें कॉकटेल पहले से नीचे आ गए, इनको पता लग गया कोई छह डालने लगे हैं। तो अभी देखते हैं ये खाते भी हैं कि नहीं। अभी मैं इधर बैठ जाऊंगा और देखूंगा ये खाते हैं कि नहीं। और उससे पहले ये फीमेल को देख लें, फीमेल ठीक है कि नहीं। फीमेल तबीयत खराब लग रही है, फीमेल को क्या हो गया, फीमेल देखें। यानी इसे एकदम से क्या हो गया, इसे मैंने इस हीट के अंदर तो रखा हुआ था, ये देखें यानी इसे क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से मर गया ये, पता नहीं क्या हो गया। इसे मैंने इसके अंदर रखा था कि इसे हीट मिले और ये ठीक हो जाए, लेकिन इसे पता नहीं क्या हो गया। तो अभी देखते हैं, तो मर गई है, पता नहीं क्या हो रहा बर्ड्स को, एक एक करके मरी जा रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही इनकी। क्या कह सकते हैं, अभी अभी इसको मैं कवर कर देता हूँ।
अंदर बल्ब भी लगा देता हूँ ताकि इन्हें थोड़ी हीट मिले। अभी इसे बंद कर देते हैं, इसके चलाने का कोई फायदा नहीं होगा। वो कॉकटेल देखा है डाला था, वो आके खाना शुरू हो गया, ये भी खाना शुरू हो गया, मुझे देख के ऊपर चले गए हैं। इसे डाला, ये नहीं खा रहा। ये थी अगली वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।